डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ध्यान से देखिएगा, इससे पहले के लेक्चर में जो हमने पढ़े हैं कि बोहर्स ने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल्स बताया, यस सर। उसके बाद देखिए, हाँ, उसके बाद में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आया, यस सर। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने प्रूफ करके बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है ये डुअल नेचर शो करता है, मतलब हर मूविंग पार्टिकल वो डुअल नेचर शो करता है। और डी ब्रोगली को इंस्पायरेशन कहां से मिला था? मैक्स प्लैंक से। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ स्मॉल मूविंग पार्टिकल विद ग्रेट एक्यूरेसी। ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए, पहले आप समझाऊं आपको इन डिटेल। देखिए, इसका स्टेटमेंट ये है, क्या इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ स्मॉल मूविंग पार्टिकल्स विथ ग्रेट एक्यूरेसी ये चीज समझाना है। ध्यान से देखिएगा, स्टेटमेंट क्या है, क्या इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ स्मॉल मूविंग पार्टिकल विथ ग्रेट एक्यूरेसी। सुनिए, देखिए, मान लीजिए ये एक एटम है, ओके, और इसके अराउंड में क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिट, यस सर। ये है न्यूक्लियस, क्या प्रेजेंट है इसमें, प्रोटॉन, यस सर। सुनिए, मतलब ऑर्बिट किसको बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉन घूमने की वजह से जो पाथ तैयार होता है उसे बोलेंगे हम ऑर्बिट। ओके, ऑर्बिट ये नहीं है कि न्यूक्लियस के अराउंड में ये एक रास्ता पाया जाता है वहां पर इलेक्ट्रॉन घूमते, ऐसा नहीं है। जहां देखिए इलेक्ट्रॉन घूमने की वजह से जो रास्ता तैयार होता है उसे बोलेंगे हम ऑर्बिट। ओके, जैसे हम खेत में जब जाते हैं, देखो आपने कि पैदल चलने की वजह से वहां पर एक छोटा सा रास्ता बन जाता जिसे हम पगडंडी कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, पगडंडी। ओके, वो रियल रास्ता नहीं था, हमारे चलने की वजह से रास्ता बना। ओके, तो ऐसा ही न्यूक्लियस के अराउंड में जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं उसे बोलेंगे हम, बताइए, देखिए घूमने की वजह से जो रास्ता बनेगा उसे बोलेंगे हम ऑर्बिट, यस सर, इसका रियल डेफिनेशन है। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ पोजिशन एंड मोमेंटम। ध्यान से देखिएगा, अब ये चीज समझाना है आपको, पोजिशन, ओके, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में घूम रहे हैं, ओके, तो यहां पर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट है, ओके, कि इलेक्ट्रॉन की रियल पोजिशन कौन सी है। ओके, दो चीज हम एक समय पता नहीं कर सकते, पोजिशन और मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता, ध्यान से देखिए, मोमेंटम ये होता है बेटा मास इनटू वेलोसिटी, मतलब एक समय में हम पोजिशन और मोमेंटम ये पता नहीं कर सकते। आप मास इनटू वेलोसिटी अगर आप मोमेंटम निकालेंगे तो पोजिशन में कुछ एरर आ जाएगा, और यहां पर अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजिशन पता करेंगे तो मोमेंटम हम पता नहीं कर सकते, यहां पर कुछ ना कुछ एरर आएगा। तो कहने का मीनिंग ये था कि साइमल्टेनियसली एक ही समय में एक ही वक्त में हम इलेक्ट्रॉन की पोजिशन और उसका मोमेंटम पता नहीं कर सकते। ओके, ध्यान से देखिएगा, क्या मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन की पोजिशन है, यस, अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या है तो आप मोमेंटम 100% नहीं बता सकते यहां पर, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ओके, उतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक जगह ये स्टेबल नहीं है। ओके, अगर आप यहां पर इसकी वेलोसिटी पता करेंगे तो इसका हम पोजिशन पता नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है, पूरे एटम में, यानी ये न्यूक्लियस के अराउंड में
यहां पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है इस पोजीशन पर। यस सर। अब मान लीजिए आपने यहां पर पोजीशन पता कर ली, ओके, तो इसका मोमेंटम पता नहीं कर सकते, यानी एक पता कर सकते हैं और दूसरा हम पता नहीं कर सकते। तो वही सेंटेंस लिखो मैंने कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ स्मॉल मूविंग पार्टिकल, ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी, ओके, मतलब ग्रेट एक्यूरेसी का मीनिंग क्या हो रहा है, अगर आप इसमें से किसी एक का पता करेंगे तो दूसरे इसमें एरर आएगा, ओके, ध्यान से देखिए, यहां लिखो मैंने डेल्टा एक्स, ये है बेटा चेंज इन एरर ऑफ पोजिशन, चेंज इन एरर इन पोजिशन, चेंज इन एरर इन पोजिशन, और डेल्टा पी ये है बेटा चेंज इन एरर इन मोमेंटम, चेंज इन एरर इन मोमेंटम, और डेल्टा पी इज इक्वल टू है एम इंटू डेल्टा वी, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, ओके, मोमेंटम पता करने मतलब तो मास तो इलेक्ट्रॉन का एज इट इज रहेगा, वेलोसिटी वेरिएबल रहेगी, अलग अलग होगी, यस सर, ओके, तो ध्यान से देखिएगा क्या चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, क्या मान लीजिए अगर यहां पर देखिए एक फॉर्मूला है इसका, क्या डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई, ओके, एच अपॉन फोर पाई, एक फॉर्मूला है इसका, ध्यान से देखिए बेटा एच अपॉन फोर पाई, यहां पर देखिए हाइजेनबर्ग ने यह बताया, क्या मान लीजिए यहां से अगर हम डेल्टा एक्स और डेल्टा पी पता भी कर लिए, ओके, तो इसमें कुछ एरर रहेगा, बराबर है, और वो एरर कितना रहेगा, एच अपॉन फोर पाई, एरर कितना रहेगा, एच अपॉन फोर पाई, यस सर, ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, इफ मान लीजिए अगर यहां पर हमने डेल्टा पी ये एग्जैक्ट निकाली, इसमें कोई एरर नहीं है, डेल्टा पी में कोई एरर नहीं है, यस सर, यानी यहां पर देखिए चेंज इन एरर इन मोमेंटम, यहां पर मोमेंटम के अंदर जो एरर है वो जीरो है, देयर इज नो एरर, तो यहां पर डेल्टा एक्स कितना रहेगा बेटा, डेल्टा एक्स रहेगा सर इनफाइनाइट, यानी अगर यहां पर इसमें एरर नहीं आया तो इसमें इनफाइनाइट एरर आएंगे, ओके, अगर यहां पर मोमेंटम में एरर ना हो, ओके, मोमेंटम एग्जैक्ट एक्यूरेट कर निकालिए, यस सर, तो यहां पर पोजीशन में इनफाइनाइट एरर हो गए जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ओके, अगर यहां पर सुनिए, अगर यहां पर डेल्टा एक्स पोजीशन में एरर ना हो, देयर इज नो एरर, ओके, देयर इज नो एरर, अगर यहां पर पोजीशन में कोई एरर ना हो, ओके, तो मोमेंटम में यहां पर इनफाइनाइट एरर हो गए, मोमेंटम में यहां पर इनफाइनाइट एरर आएंगे, यस सर, ओके, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यानी यहां पर एक ही समय में हम दोनों चीजें नहीं निकाल सकते, ओके, एक तो एक्यूरेट हम यहां पर पोजीशन निकाल सकते हैं या फिर मोमेंटम निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे, पोजीशन ऑफ मोमेंटम, अगर मान लीजिए यहां पर आप देखिए मोमेंटम एक्यूरेट निकाल लीजिए, यहां पर कोई एरर नहीं है, तो पोजीशन में देखिए यहां पर मोमेंटम में कोई एरर नहीं है, हमने इसे निकाले हैं, लेकिन यहां पर पोजीशन में इनफाइनाइट एरर हो जाएगी, ओके, अब उसके बाद देखिए क्या मान लीजिए यहां पर आपने पोजीशन एग्जैक्ट निकाल ली इलेक्ट्रॉन की, तो वहां पर उसके मोमेंटम में इनफाइनाइट एरर हो गए, ओके, तो ध्यान से देखिएगा, कहने का मतलब यह है कि एक ही समय में हम यहां पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं कर सकते, ओके, तो आई होप ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा, ओके, क्या मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड में घूम रहा, यस सर, तो एक जगह स्टेबल तो नहीं है, ये पूरे यहां पर इसमें देखिए ऑर्बिट में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, यहां होगा ये मैंने डैश करके बताया हुआ आपको, यस सर, तो यहां से इसकी हम एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं कर सकते, चलिए अगर हमने पोजीशन पता कर लिए तो यहां पर हम इलेक्ट्रॉन का मास इनटू वेलोसिटी ये नहीं निकाल सकते, बराबर है, कोई एक निकाल सकते, अगर आप मान लीजिए कि यहां पर आपने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कंसिडर कर दिया तो यहां पर आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, क्योंकि वेलोसिटी यहां पर चेंज होगी, ओके, अगर मान लीजिए यहां पर आप मास इनटू वेलोसिटी निकाल लिए, ओके, मास इलेक्ट्रॉन के लिए उसका वेलोसिटी निकाल लिए, इसको मल्टीप्लाई कर लिए, दैट इज पी निकाल लिए हमने, ओके, यानी यहां पर अगर हमने मोमेंटम निकाल लिए तो इसका पोजीशन पता नहीं कर सकते, एक पता होगा दूसरा पता नहीं कर सकते,
ओके बस यही चीज थी, कौन सी? हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी ये अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी है, इस पे यकीन नहीं कर सकते। ओके चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहां पर, इफ, ध्यान से देखिए, इफ एरर इन पोजिशन एंड मोमेंटम, इफ एरर इन पोजिशन एंड मोमेंटम बोथ आर इक्वल फाइंड द एरर इन मोमेंटम, फाइंड द एरर इन मोमेंटम। यहां पर हमें एरर निकालना है किसमें? मोमेंटम में। ओके ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ये है बेटा, इफ एरर इन पोजिशन एंड मोमेंटम बोथ आर इक्वल, ध्यान से देखिएगा क्या पोजिशन और मोमेंटम का एरर ये दोनों इक्वल है? यस सर। तो कहने का मतलब क्वेश्चन में ये है कि डेल्टा पी और डेल्टा एक्स, डेल्टा पी क्या है? एरर इन, यस सर, चेंज इन एरर इन मोमेंटम, और ये क्या है? चेंज इन एरर इन पोजिशन, ये दोनों इक्वल है, यस सर, आर इक्वल। फाइंड द एरर इन मोमेंटम, हमारा मेन फॉर्मूला क्या था? डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, यस सर। सो यहां पर ये दोनों इक्वल है, यानी एक काम करते हैं हम, क्या डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी, यस सर, इज ग्रेटर देन एच अपॉन इक्वल टू ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, यस सर। सो डेल्टा पी स्क्वायर इज इक्वल टू, यस सर, डेल्टा पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन ओके 4 पाई, ओके, और डेल्टा पी इज इक्वल टू अंडर रूट एच अपॉन 4 पाई, ये छोटा सा निकल गया। ओके तो चलिए, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रीवियस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। देखिए क्वेश्चन है ये AIPMT 2008 और ये AIPMT 2006 का क्वेश्चन है। ओके छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और इजीली सॉल्व हो जाते हैं। देखिएगा, द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजिशन इज एसोसिएटेड विद एन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इक्वल टू ओके 1 × 10⁻⁸ ग्राम सेंटीमीटर ओके सेकंड इनवर्स, द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, द अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इज ओके। तो ध्यान से देखिएगा, एक फॉर्मूला हमने ये पढ़े हैं क्या डेल्टा पी इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी, यस सर, क्या बताइए? एम इंटू डेल्टा वी। ओके देखिए यहां पर क्वेश्चन, द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजिशन इज एसोसिएटेड ओके विद एन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, यानी यहां पर क्या है, क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन इसके साथ में एसोसिएट कर लिया, ये नहीं है दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन। आगे इज इक्वल टू मोमेंटम, इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका जो मोमेंटम बताया ये 1 × 10⁻⁸ ग्राम सेंटीमीटर सेकंड मीटर बताया, इज इक्वल टू द अनसर्टेनिटी ओके इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इज, यानी यहाँ पर हमें ये निकालना है डेल्टा वी ओके। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9 × 10⁻²⁸ ग्राम इनटू डेल्टा वी, सो डेल्टा वी इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁸ ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स अपॉन, यस सर, 9 × 10⁻²⁸ ओके सर ग्राम, ओके ग्राम, चलिए ग्राम से ग्राम चला गया। अब यहां पर कितना बच रहा, देखिए आप ध्यान से, हमें निकालना है यहां पर डेल्टा, सर यहां पर हमें निकालना है डेल्टा वी ओके। देखिए तो यहाँ पर देखिए मतलब मोमेंटम कितना दिया हुआ था, सर मोमेंटम था 1 × 10⁻⁸ ग्राम सेंटीमीटर ओके सेकंड इनवर्स ओके, और ये ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसका आंसर आएगा 10⁻⁹ सेंटीमीटर ओके, देखिए 10⁻⁹ सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स ओके। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू 1 × 10⁹ सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, ये आप चेक कर लेंगे घर पर ओके। दूसरा क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा, दूसरा क्वेश्चन देखिए समझ लीजिए, पहले दूसरा क्वेश्चन क्या है समझाने की कोशिश करता हूं।
द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन का मास दिया हमें 9.11 × 10⁻³ kg. प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.626 × 10⁻³ जूल सेकंड. द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट, ओके, इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी विद इन अ डिस्टेंस ऑफ, ओके, 0.1 angstrom. ध्यान से देखिएगा, 1 angstrom ये होता है बेटा 10^-12 meter, ओके. 1 nanometer इज इक्वल टू ये होता है 10^, अच्छा 12 नहीं बेटा 10 आएगा, यस सर. 1 nanometer इज इक्वल टू 10^-9, यस सर, मीटर. और 1 picometer इज इक्वल टू 10^-12 meter, लेकिन हमें यहाँ पर ये दिया, ओके. चलिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखना, फिजिक्स में पढ़ते रहते हैं. द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है दिया हुआ, m है सर यहाँ पर दिया हुआ हमें 9.11 × 10⁻³ kg, यस सर. प्लैंक्स कांस्टेंट दे दिया आपको, यस, 6.626 × 10⁻³ जूल सेकंड. द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी विद इन अ डिस्टेंस, ओके, विद इन अ डिस्टेंस ऑफ कितना, 0.1 angstrom. तो देखिए मेन फॉर्मूला क्या है, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, यस सर. ठीक है, ध्यान से लिखिएगा. अब हमें यहां से क्या निकालना है, ध्यान से देखिए, यहां से सर हमें निकालना है, देखिए यहां से हमें निकालना है वेलोसिटी, यस, ओके. सो ये क्या बताइए आप, एम इंटू डेल्टा पी, ओके, इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, यस सर. अब यहां पर क्या किया इसने, क्या पोजीशन दिया इलेक्ट्रॉन का, नहीं दिया सर, ओके. देखिए सर ये एम इंटू डेल्टा वी करना है, ओके. सो डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, यस सर, इंटू एम, 4 पाई इंटू एम, ओके. हाँ, और यहां पर हमें देखिए पोजीशन दिया क्या, यस, मेजरमेंट वेलोसिटी डिस्टेंस, यस सर, पोजीशन दे दिया. कितना दिया सर यहाँ पर हमें, उसने पोजीशन दिया है 0.1 angstrom, कितना दिया है 0.1 angstrom, यस सर, ओके. तो ध्यान से लिखिएगा, ये इंटू डेल्टा एक्स, ओके. सो डेल्टा वी इज इक्वल टू 6.626 × 10⁻³ जूल सेकंड डिवाइडेड बाय, यस सर, डिवाइडेड बाय 4 × 3.14, यस सर, इनटू, यस, मास कितना है, एम है बेटा यहां पर देखिए किधर है, ये 9.11 × 10⁻³ केजी, यस, इनटू ये कितना है 0.1, तो ध्यान से देखिएगा 0.1 को मैं काम करता हूं, हाँ 0.1, चलिए × 10⁻¹⁰ मीटर, यस सर, −10 मीटर, ठीक है. चलिए, सो डेल्टा वी इज इक्वल टू, यस सर, डेल्टा वी इज इक्वल टू, इसको लगभग हमें काम करते हैं, चलिए यहां पर देखिए इसको 0.9 मान लिया हमने, यस सर, इसको मल्टीप्लाई करने पर, ओके, 0.9 मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया हमने इसको, यस सर, 4 ये एज इट इज, और ये 12, ओके, 12 से थोड़ा सा ज्यादा पकड़ लेते हैं, चलिए 12 इसको पकड़ लिया हमने, और ये 6, तो कितना आ रहा, हाफ आ रहा, यस सर, ओके, मतलब कितना आएगा 0.5, ठीक है ना, कितना आएगा 0.5, यस सर, ठीक है 0.5, और ये 10⁻⁴ कितना हो जा रहा बेटा, 41 हो जा रहा ऊपर जाने का, यस सर, और ये तो 10⁻⁷, तो 0.5 × 10⁻⁷, और ये 5, यस सर, 10⁻⁶, समझ में आया क्या आपको, 5.79, ओके, × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड. ध्यान से देखिएगा कैसा ही है टॉपिक, देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, अप्रॉक्स मान ये तो ऊपर चला गया 10⁻⁻⁶ हो गया ऊपर जाने पर, यस सर, +41 में से मैंने इसको 34 को माइनस कर दिया, कितना बच रहा, 10⁻⁷ बच रहा, यस सर, ओके. अब ये देखिए बेटा, ये 9.11 × 0.1 मतलब इसको हमने एक काम किए, क्या क्या किया इसमें, 0.9 कर दिया, 0.911 मतलब अप्रॉक्स 1 मान लिया मैंने इसको, 1 × 4 = 4, ओके, 4 × 3 = 12, ओके, 12 point something मान लेते हैं, 12 मान ली, ओके, और ऊपर 6 है तो 6 / 12 0.5 आ रहा लगभग, यस सर, 0.5, ओके, × 10⁻⁷
लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन सेम है कि 5 पॉइंट, यस सर, 10 का पावर 6, मतलब पावर में इसको चेक करना था। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये था बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ओके चलिए, ठीक है, बाय।